हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर टू हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर फाइव आ, जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिज़नेस जहां पे हम पढ़ रहे हैं ई बिज़नेस के बारे में कि बिज़नेस आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिकली कैसे हो रहा है अब वहां पे हमने एडवांटेजेस डिसएडवाटेज़ वगैरह देख लिया था लास्ट लेक्चर में अब हम आज पढ़ने वाले हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में के जो कि जो ट्रांजेक्शन हमने पढ़े कि काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट यूज़ करके तो अब उसका क्या होता है कुछ प्रोसीजर रहता है कुछ उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं तो ये प्रोसीजर हम पढ़ेंगे आज अब यहाँ पे सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया है ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन का हमें मीनिंग बताया है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ये बहुत सिंपल है मीनिंग कि ऑनलाइन ट्रांजे ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा इंटरनेट यूज़ करके जो ट्रांजेक्शन करते हैं हम उसे बोलेंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इट कान टेक प्लेस विदाउट अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अकर वेन अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस थ्रू इंटरनेट नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग हुआ तो हम उसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑफकोर्स नहीं कहते जब इंटरनेट यूज़ करके ट्रांजेक्शन होता है उसे ही हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कहेंगे अ कंज्यूमर परचेस प्रोडक्ट और सर्विस ऑनलाइन ही शी पेस फॉर इट थ्रू ऑनलाइन ऑनलाइन बाइंग होता है तो क्या होता है कस्टमर क्या करता है पेमेंट भी ऑनलाइन करना पसंद करता है और कर सकता है बहुत इजी तरीके से नाउ प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे तो द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ट्रांजेक्शन मूव्स थ्रू प्री परचेज और सेल एक्चुअल परचेज और सेल एंड डिलीवरी स्टेज देखिए तीन स्टेज आते हैं इसके अंदर सबसे पहला आता है प्री परचेज और सेल मतलब एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग हुआ उसके पहले क्या क्या चीज़ें होंगी उसके बाद एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग होगा कस्टमर ऑर्डर करेगा प्रोडक्ट को और वेंडर क्या करेगा प्रोडक्ट भेज देगा कस्टमर के घर पे एंड उसके बाद आएगा डिलीवरी स्टेज चलिए अब इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स कौन कौन से स्टेप होंगे सबसे पहला याद रखना है बराबर से रजिस्ट्रेशन आएगा रजिस्ट्रेशन रे, के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हम एज अ कस्टमर हमें कोई भी चीज़ मंगवानी हो ऑनलाइन किसी भी साइट से अमेजोन पे हम जाएँगे फ्लिपकार्ट जाएंगे तो क्या करना पड़ता है सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उसके बाद ही हम प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं नॉर्मली हमें प्रोडक्ट सर्च करना हो तो हम सर्च कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन लेकिन ऑर्डर करना हो तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज़ टू रजिस्टर विद ऑनलाइन वेंडर बाय फिलिंग अप अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है अब नॉर्मली भी हम कहीं रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम फॉर्म फिलअप तो करते ही है उसमें हम हमारी सारी डिटेल डालते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा वेबसाइट पे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे अब यहाँ पे शॉपिंग करना है और रजिस्ट्रेशन करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे हमारा नाम देंगे वहाँ पे फ़ोन नंबर ईमेल आईडी देंगे हम एड्रेस प्रोवाइड करेंगे ये सारी चीज़ें डालेंगे उसके बाद क्या हो जाता है रजिस्ट्रेशन हो जाता है रजिस्ट्रेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड कस्टमर नीड टू लॉग इन अ पर्टिक्युलर वेबसाइट टू बाय अ पर्टिकुलर आर्टिकल और सर्विस रजिस्ट्रेशन कर देते हैं हम उसके बाद क्या होता है हमें आई डी एंड पासवर्ड मिल जाता है उसके थ्रू हम लॉग इन करते हैं उसके बाद हम शॉपिंग कर सकते हैं द कस्टमर ई मेल आई डी नेम एड्रेस ईमेल आईडी नेम एड्रेस अदर डिटेल्स आर सेव्ड एंड आर सेफ विद द वेबसाइट जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं वेबसाइट पे वो सारी कैसी होती है सेफ रहती है और वो सेव हो जाती है फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम एक बार प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो वहाँ पे जब जो हम एड्रेस डिटेल डालते हैं तो वो सेव हो जाती है फिर नेक्स्ट टाइम जब भी हम ऑर्डर करते हैं तो वो एड्रेस वो दिखाता ही है ठीक है बार बार हमें एड्रेस टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फॉर सिक्योरिटी रीजन बायर्स अकाउंट एंड हैज शॉपिंग कार्ट इज़ एन ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ वॉट यू हैव पिकड अ वेल ब्राउजिंग द ऑनलाइन स्टोर देखिए फॉर सिक्योरिटी रीजन बायर्स अकाउंट बायर का अकाउंट भी रहता है रेफरेंस के लिए कि क्या क्या चीज़ें आपने सर्च की थी क्या क्या मंगवाई है एंड दूसरा शॉपिंग कार्ट अब नॉर्मली मान लो कि हमने डी से कोई चीज़ें ऑर्डर की है ठीक है मंथली हमें घर के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं हमने ऑर्डर की है तो क्या होता है नेक्स्ट टाइम भी जब हम ऑर्डर करने जाते हैं तो वो सारी चीज़ें हिस्ट्री में हमें दिखाता है कि हमने लास्ट टाइम क्या ऑर्डर किया था तो इससे क्या होता है कस्टमर के लिए भी इजी हो जाता है एंड कंपनी भी क्या कर रही है वेबसाइट में भी क्या हो रहा है रिकॉर्ड मेनटेन हो रहा है कि कस्टमर ने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की थी ठीक है तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी रखती है एंड सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है अब आगे बढ़ते हैं ये हो गया रजिस्ट्रेशन के बारे में अब दूसरी चीज़ क्या होगी प्लेसिंग एंड ऑर्डर हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया अब हम सर्च करेंगे हमें कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए कौन कौन से वेंडर से हमें प्रोडक्ट चाहिए एंड उसके बाद हम क्या करते हैं प्लेस करते हैं ऑर्डर इट इज़ सेकेंड स्टेप इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेकेंड स्टेप इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेन अ कस्टमर लाइक्स अ प्रोडक्ट और सर्विस ही शी पुट्स अ प्रोडक्ट इन द शॉपिंग कार्ट हमें जो भी प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं हम क्या करते हैं उसे शॉपिंग कार्ट में एड करते जाते हैं द शॉपिंग कार्ट गिवस अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द आइटम सिलेक्टेड बाई द बायर टू बी परचेज द नंबर ऑफ यूनिट्स और क्वान्टिटी डिजायर टू बी बॉट पर आइटम सिलेक्टेड एंड द प्राइस फॉर ईच आइटम शॉपिंग कार्ट के अंदर क्या रहता है एट द टाइम ऑफ सर्च हमने जो भी प्रोडक्ट सर्च किए हुए हैं सिलेक्ट किए हुए हैं सबका रिकॉर्ड दिखाएगा कितने प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किए हैं कितनी क्वांटिटी हमने सिलेक्ट की है क्या प्राइस पे हमने सिलेक्ट किया है वो सारी चीज़ें दिखाएगा शॉपिंग कार्ट में शॉपिंग कार्ट कर, में ऐड करना इसका मतलब ये नहीं कि हमने प्रोडक्ट खरीद लिया है हमने खाली सिलेक्शन किया है जो दिखाता है अंडर शॉपिंग कार्ट द बायर देन प्रोसीड्स टू पेमेंट ऑप्शन आफ्टर सिलेक्टिंग ऑल द प्रोडक्ट्स हमने कार्ट में जितने ही प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं सारे ही हमें खरीदने हैं तो हम क्या करते हैं आगे प्रोसीड करते हैं अगर कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो हम वहाँ से उसे डिलीट कर देते हैं अब आगे नेक्स्ट स्टेप आता है पेमेंट का इट इज़ द लास्ट स्टेप देखिए फर्स्ट था रजिस्ट्रेशन दूसरा था प्लेसिंग ऑर्डर अब थर्ड एंड लास्ट आता है पेमेंट का ऑप्शन पेमेंट का स्टेप इट इज़ द लास्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन द बायर हैज़ टू सिलेक्ट द पेमेंट ऑप्शन बायर क्या करेगा सिलेक्ट करेगा पेमेंट ऑप्शन

अब वहाँ पे हम जो भी इंफॉर्मेशन देंगे हमारे अकाउंट रिलेटेड वो सारी ही इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर रहती है एंड सिक्योर रहती है बहुत ही सेफ रहती है हमारी इंफॉर्मेशन कोई भी उसका मिस नहीं कर सकता है तब तो वहाँ पर क्या होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट बहुत सारे हमें ऑप्शंस दिखाएगा जिसके ज़रिए हम पेमेंट कर सकते हैं एक तो सी दिखाएगा उसका मतलब कि प्रोडक्ट जब हमारे घर पे आएगा उस टाइम हम कैश पेमेंट करेंगे दूसरा हम नेट बैंकिंग करके कर सकते हैं डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ये बहुत सारे टाइप्स या बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कस्टमर के लिए पेमेंट करने के चलिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी देखिए कैश ऑन डिलीवरी इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट बायर पेज वैन ही शी रिसीव द प्रोडक्ट क्या बोलेगा कस्टमर भाई मुझे कस् प्रोडक्ट मिलेगा तभी मैं पेमेंट कर दूंगा जैसे प्रोडक्ट घर पे आया वो पे कर देता है उसे हम बोलेंगे कैश ऑन डिलीवरी द पेमेंट इज़ मेड एट द डोर स्टेप द कस्टमर कैन पे इन कैश और बाय डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जब भी घर पे प्रोडक्ट आया तो उस टाइम पे कैश भी दे सकते हैं या अगर वेंडर की सिस्टम अवेलेबल है तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करके पे कर सकते हैं सेकेंड इज़ चेक चेक दे सकते हैं हम वेंडर को इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट द बायर सेंड्स अ चेक टू द सेलर एंड द सेलर सेंड्स द प्रोडक्ट आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ द चेक चेक दिया है कस्टमर ने तो अब वो चेक क्लियर हो भी सकता है या क्लियर नहीं भी हो सकता ना पैसे नहीं आए तो इसलिए वेंडर क्या करेगा जब उसे पैसे मिल जाएंगे उसके बाद वो प्रोडक्ट भेजेगा कस्टमर के पास तो ये हो गया सेकेंड ऑप्शन चेक उसके बाद आता है नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र अब ये नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र में हम क्या करेंगे इंटरनेट के थ्रू हम लॉग इन करेंगे हमारे अकाउंट में एंड लॉग इन करने के बाद अब वो लॉग इन कैसे करेंगे हमारा आईडी डालेंगे पासवर्ड डालेंगे एंड अकाउंट अकाउंट में हम लॉग इन कर देंगे एंड उसके बाद हम वेंडर का वेंडर के नाम पे हम पैसे भेज देंगे उसे हम बोलते हैं नेट बैंकिंग ट्रांसफर तो ये भी एक तरीका है पेमेंट करने का इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट द पेमेंट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बायर्स अकाउंट टू द सेलर अकाउंट इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे हम कोई कार्ड यूज नहीं कर रहे हैं हम हमारे अकाउंट में लॉग इन करते हैं एंड वेंडर को हम पेमेंट दे देते हैं आफ्टर द पेमेंट इज रिसिव्ड बाय द सेलर

हम क्या करेंगे हमारे पास जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है वो यूज़ करके भी हम पेमेंट कर सकते हैं इसका मतलब हो जाता है कि हम साइट पे हमारी कार्ड की सारी ही डिटेल डालेंगे कार्ड का नंबर उस, उसकी एक्सपायरी डेट कार्ड होल्डर का नेम ये सारी ही डिटेल हम वहाँ पे डालते हैं एंड उसके बाद हम उसके थ्रू पेमेंट कर देते हैं अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का फ़र्क क्या हो जाएगा <coughs> डेबिट कार्ड का मतलब हो रहा है हम हमारे ही अकाउंट से पैसे दे रहे हैं एंड क्रेडिट कार्ड का मतलब हो जाता है कि हम उस टाइम बैंक के पैसे यूज करके पेमेंट करते थे कर देते हैं अब उसमें क्या होता है क्रेडिट कार्ड में मंथली हमें बिल आता है एंड उसके बाद कस्टमर को वो बिल पेमेंट कर देना होता है बैंक को दैट इज डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड द बायर मेक्स पेमेंट थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड एंड अमाउंट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पॉपुलरली नोन एज प्लास्टिक मनी दे आर मोस्टली यूज फॉर ऑनलाइन पेमेंट देखिए डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है प्लास्टिक मनी भी बोला जाता है अब मोस्टली हम क्या करते हैं इन कार्ड को यूज़ करते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए ही मोस्टली इसका यही यूज़ है अब उसके बाद आता है डिजिटल कैश अब ये डिजिटल कैश क्या होता है हार्ड फॉर्म में हमारे पास कोई कैश नहीं है डिजिटली हमने कुछ कैश होल्ड करके रखा हुआ है जिसे हम यूज़ करते हैं शॉपिंग करने के लिए डिजिटल कैश इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस एंड हैज़ नो रियल फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है बट ऑफर्स द अवेलेबिलिटी टू यूज रियल करेंसी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिकली इसे यूज़ कर सकते हैं कैश जैसे हम हार्ड कैश यूज़ कर सक, करते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ करेंगे पेमेंट करने के लिए उसे हम कहते हैं डिजिटल कैश चलिए तो ये हमने देख लिए कि कौन कौन से तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में अब नेक्स्ट आने वाला है बाइंग सेलिंग प्रोसेस ये हमने पूरे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में देख लिया अभी हम देखेंगे बाइंग सेलिंग प्रोसेस कैसे होता है चलिए इन्फॉर्मेशन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज इन बोथ ट्रेडिशनल एज वेल एज ऑनलाइन बिजनेस यहाँ पे वो लोग बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इंफॉर्मेशन बायर एंड सेलर के बीच में कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है तब जाके ही बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस होने वाला है ट्रेडिशनली भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता था आज के ज़माने में भी, भी होता है लेकिन ट्रेडिशनली कैसा था फिजिकली लोग एक दूसरे को मिलते थे बताते थे अब कैसा हो गया थ्रू इंटरनेट सबको पता चल जाता है कस्टमर को पता चल जाता है कि बाहर के पास कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है बट एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस इंटरनेट ट्रांजेक्शन्स आर ईजी इन ट्रेडिशनल बिज़नेस टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रैवल टू नेगोशिएट To convince and presence of both the parties, face-to-face -face interaction is necessary. Traditional zamane में क्या था ये सारी चीज़ों में time लगता था na Buyer एंड सेलर मिलते थे price नेगोशिएट करते थे बायर सेलर आ, आ, सेलर क्या करता था बायर को कन्विंस करता था एंड प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्टीज बायर एंड सेलर का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी था तभी बाइंग एंड सेलिंग होता था इन दिस प्रोसेस लॉट ऑफ टाइम इज़ वेस्टेड टाइम ही बहुत लगता था इस प्रोसेस में ना वेयर एज इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड विद टर्म्स एंड कंडीशंस एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम मोस्ट ऑफ़ द प्रॉब्लम्स रिफर्ड अबउ सो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आर इजियर एंड रिजल्ट ओरिएंटेड देन ट्रेडिशनल बिजनेस चलिए अब हम प्रोसेस देखते हैं अब क्या होगा यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग में बायर क्या करेगा सबसे पहले तो फाइंड सेलर हम बायर हैं हमें कुछ खरीदना है तो हम क्या करेंगे सर्च करेंगे सबसे पहले तो कितने सेलर्स अवेलेबल हैं बायर फाइंड सेलर्स अब उसके बाद क्या होगा सिलेक्शन ऑफ गुड्स प्रोडक्ट सिलेक्ट किया जाएगा उसके बाद नेगोसिएशन ऑफ प्राइस एंड डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशंस उसके बाद सेल होगा एक्चुअल में उसके बाद पेमेंट एंड डिलीवरी ऑनलाइन पेमेंट होगा या तो फिर डिलीवरी एंड पेमेंट उसके बाद पोस्ट सेल एक्टिविटी ठीक है चलिए अभी जैसे कि एक पर्सन है उसको कार खरीदनी है तो क्या होगा पहले तो वो सेलर ढूंढेगा कौन सी कंपनी की उसे खरीदनी है ठीक है या तो फिर कोई और एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन या कोई भी एग्जांपल लेते है. बायर फाइंड सेलर क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अब देख रहे हैं तो बायर फाइंड सेलर सेलर ढूंढेगा कौन सी कंपनी का उसे लेना है सिलेक्शन ऑफ गुड्स गुड्स उसने सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट उसने सिलेक्ट कर दिया उसके बाद आने वाला है negotiation नेगोसिएशन अगर पॉसिबल हो तो हो सकता है एंड डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशंस देखा जाएगा क्या क्या टर्म्स है कंडीशंस है उसके बाद सेलिंग होगा एंड उसके बाद पेमेंट होने वाला है पेमेंट ऑनलाइन मोड्स जो हमने ऊपर देखे उन तरीक़ों से पेमेंट्स किया जाएगा एंड और एक चीज़ आफ्टर डिलीवरी भी पेमेंट हो सकता है सी भी हो सकता है एंड लास्ट पोस्ट सेल एक्टिविटी सेलिंग होने के बाद अगर कोई सर्विस रिक्वायर्ड है तो वो भी कस्टमर को दी जाएगी बायर को दी जाएगी कौन देगा सेलर देगा ठीक है जो भी गारंटी वारंटी पीरियड में जो भी सर्विस होती है वो मिल जाती है कस्टमर को तो ये हमने देख लिया बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस पूरा चलिए तो इसी के साथ हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला टॉपिक खत्म हो गया है छोटा सा टॉपिक था लेकिन याद रखना है आ सकता है शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है या ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है चलिए अब कुछ नया हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आउटसोर्सिंग के बारे में कि आउटसोर्सिंग क्या होता है अब आगे हमने जो ई बैंकिंग ई बिज़नेस पढ़ लिया वो सारी चीज़ें अलग हो जाती है अब आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा अब ये भी पहले के ज़माने में नहीं था ये भी कुछ नया आया हुआ है बिज़नेस करने के तरीके में कुछ चेंज आया है कुछ नए तरीके से बिज़नेस किया जाता है अब आउटसोर्सिंग में क्या होगा हम देखते हैं कोई बिजनेस ऑपरेट हो रहा है ठीक है पहले ट्रेडिशनली जब बिजनेस होते थे तो क्या होता था सारी ही एक्टिविटी बिजनेस के अंदर खुद से ही मैनेज की जाती थी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस में रॉ मटेरियल परचेस करना प्रोडक्शन करना स्टोर करना ठीक है हाउस में स्टोर करना ट्रांसपोर्टेशन होता है रॉ मटेरियल का या फिनिश गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह पे साथ ही में दूसरी एक्टिविटी होती है जैसे कि हाउस uh, कीपिंग होता है कैंटीन फैसिलिटीज़ होती है लीगल वर्क होता है बिजनेस में अकाउंटिंग का काम होता है तो ये सारी ही चीज़ें बिजनेस खुद से ही करता था अब यहाँ पे क्या हुआ आउटसोर्सिंग में आउटसोर्सिंग में क्या किया जाता है बिज़नेस की कोई एक्टिविटी <coughs> आउटसोर्स की जाती है थर्ड पार्टी को मतलब थर्ड पार्टी वो एक्टिविटी परफॉर्म करती है बिज़नेस के लिए जैसे कि हम बात करें कैंटीन फैसिलिटी की तो क्या होगा बिजनेस की बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं कैंटीन फैसिलिटी बिज़नेस खुद ही चला रहा था अब वो क्या करेगा किसी थर्ड पार्टी को जो उसी काम में स्पेशलाइज है जिसका कैंटीन का ही बिजनेस है वो उसको क्या बोलेगा कि आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड करो हमारे एम्प्लॉयज़ को ठीक है इसका मतलब क्या हुआ बिज़नेस के बिजनेस ने उसकी कुछ प्रोसेस थी वो आउटसोर्स कर दी किसी थर्ड पर्सन को अब इससे क्या होने वाला है बिजनेस का एक तो टाइम बच जाएगा जो भी कैंटीन फैसिलिटी मेंटेन करने में जो टाइम लग रहा था वो बच जाएगा वहाँ पे जो उसने एम्प्लॉयज़ लगा के रखेंगे रखे थे तो वो हटा दिए उसने कॉस्ट कम हो गई ठीक है एंड और एक चीज़ क्या होगी जिसको उसने कैंटीन फैसिलिटी का काम दिया है अब वो पर्सन तो उसी काम में एक्सपर्ट है तो वो अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा तो ये हो जाता है आउटसोर्सिंग अभी मान लो हम और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं अकाउंटिंग का बिजनेस में जो अकाउंटिंग का काम होता है ठीक है तो बिजनेस क्या सोचेगा मैनेजर्स क्या सोचेंगे कि चलो हम हमारा ये जो अकाउंटिंग का काम है वो किसी को आउटसोर्स कर देते हैं किसी और फॉर्म को आउटसोर्स कर देते हैं जो अकाउंटिंग के ही काम में स्पेशलाइज है तो वो थर्ड पर्सन है वो अकाउंटिंग का काम करके दे देगा बिजनेस को इससे क्या होने वाला है बिजनेस ने जो खुद के एम्प्लॉयज़ लगाए हुए थे वो एम्प्लॉयस अब उसे रखने की ज़रूरत नहीं है खुद को उसने जो रिसोर्सेस रखने पड़ेंगे कंप्यूटर है वगैरह है जो स्पेस देनी पड़ेगी उसे काम करने के लिए वो सब लगाने की ज़रूरत नहीं है पैसे बच गए और उस फॉर्म की जो एक्सपर्टाइज़ है अकाउंटिंग के काम में वो एक्सपर्टाइज भी उसे मिल गई तो ये सारे फायदे हो जाते हैं आउटसोर्सिंग के और इसे हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग तो जहाँ पे बिजनेस खुद की प्रोसेस किसी थर्ड पार्टी को दे देता है करने के लिए वो हो जाता है आउटसोर्सिंग चलिए अब यहाँ पे मीनिंग पढ़ते हैं आउटसोर्सिंग का आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन और एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी टू अ स्पेशलाइज एजेंसी मोस्टली द नॉन कोर एरिया सचेज सैनिटेशन सिक्योरिटी हाउस होल्ड पेंट्री एक्सेट्रा क्या होता है आउटसोर्सिंग प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा बिजनेस फंक्शन या एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी किसी और को दी जाएगी अब वो पर्सन क्या है स्पेशलाइज है उसी काम में मोस्टली द नॉन कोर एरियाज़ नॉन कोर एरियाज़ क्या है पहले हम कोर एरियाज़ की बात करेंगे तो कोर एरियाज मतलब क्या बिजनेस के जो मेन काम है जैसे प्रोडक्शन है एडवर्टाइजिंग है सेलिंग है परचेस करना है परचेस डिपार्टमेंट है फाइनेंसिंग है ये कोर एरियाज़ है मेन है वो एक्टिविटी बिज़नेस किसी को नहीं दे सकता वो खुद से ही करेगा ठीक है अब नॉन कोर एरियाज क्या हो जाएगा जो अदर फंक्शन है सिक्योरिटी का है हाउस कीपिंग है कैंटीन फैसिलिटी है ठीक है वो नॉन कोर एरियाज है तो बिजनेस क्या करेगा ऐसी नॉन कोर एक्टिविटी को किसी थर्ड पर्सन को दे देगा करने के लिए वो हो जाएगा आउटसोर्सिंग यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल में दिया है सैनिटेशन सिक्योरिटी हाउस होल्ड पेंट्री एक्सेट्रा आर आउटसोर्स बाय द कंपनी नव द कंपनी मेक्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट विद द एजेंसी क्या होगा यहाँ पे दो लोगों के बीच में प्रॉपरली एग्रीमेंट किया जाएगा ऐसे ही ओरली नहीं बताया जा, बता जाएगा कि आप हमारी कंपनी के लिए हाउस कीपिंग का काम करके दे, दे दो नहीं दोनों के बीच में प्रॉपर एग्रीमेंट लिख बनेगा उसके अंदर प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाएंगे कि भाई वो पर्सन के पास क्या क्या स्कोप है काम करने के लिए क्या उसे अथॉरिटी दी गई है कितने टाइम के लिए वो सर्विस प्रोवाइड करेगा ये सारी चीज़ें अंदर मेंशन की जाएगी क्या प्राइस पे वो काम करेगा वो सारी चीज़ें लिखी होगी द एजेंसी कैन सेंड रिक्वायर्ड मैन पावर टू द कंपनी द एजेंसी चार्जेस कंपनी फॉर द सर्विसेज अभी ऑफ कोर्स हमने आउटसोर्सिंग किया है कोई और पर्सन हमारे लिए काम करके दे रहा है तो फ्री में तो करेगा नहीं ना क्या करेगा वो कुछ चार्जेस लेगा हमारे पास से विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी कैन फोकस ऑन द कोर एरियाज अभी कंपनी ने क्या किया है नॉन कोर एक्टिविटी को ट्रांसफ़र कर दिया है किसी और को कि आप ये काम हमारे लिए करके दे दो तो अब इसका एक फ़ायदा क्या होने वाला है कि कंपनी या बिजनेस खुद के कोर एरियाज़ पे फोकस कर पाएगा हमने सिक्योरिटी का काम किसी को दे दिया कि आप हमारे लिए सिक्योरिटी देखो हाउस कीपिंग भी दे दिया कैंटीन फैसिलिटी भी दे दिया वो नॉन कोर एरियाज़ हमने दे दिए जो इंपॉर्टेंट नहीं थे तो क्या होगा अब हम पूरा फोकस पूरा टाइम दे सकते हैं हमारे बिजनेस की कोर एक्टिविटीज़ पे चलिए नाउ मीनिंग एंड कंसेप्ट उसमें क्या बताया गया है आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सम बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज एजेंसीज द कंपनी बेनिफिट्स इन टू वेज दो फायदे होंगे कंपनीज को आउटसोर्सिंग करने के एक होगा इट रिड्यूसेज इट्स ओन कॉस्ट हमारे खुद के खर्चे बच जाएंगे हमने किसी और को सिक्योरिटी का काम दे दिया है तो हमें किसी एम्प्लॉय को रखने की ज़रूरत नहीं है सिक्योरिटी के लिए वो पर्सन ही हम वो जिसे हमने काम दिया है वो एजेंसी हमारे बिजनेस का सिक्योरिटी देख लेगी तो वो हमें कम कॉस्ट में काम करके देगी इसके लिए हमारी कॉस्ट बच जाती है दूसरा इट यूजेस द एक्सपर्टाइज ऑफ द फॉर्म विच स्पेश इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ़ सर्विस दूसरा क्या हो रहा है हमें हमें उस पर्सन की एक्सपर्टाइज यूज़ करने मिल रही है मान लो हमने हाउस कीपिंग का काम दिया हुआ है तो हमने जिस भी एजेंसी को काम दिया है ऑफकोर्स वो उस काम में स्पेशलाइज होगी इसलिए हमने उसे काम दिया है तो वो सर्विस भी अच्छे से अच्छी हमें यूज़ करने मिल रही है तो ये दो फायदे हो जाते हैं ना नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ आउटसोर्सिंग द एस्टैब्लिशमेंट एज शॉप्स मॉल्स हाउसिंग सोसाइटीज ऑफिस एक्सेट्रा आउटसोर्स सम फैसिलिटीज़ लाइक कैंटीन सैनिटेशन सिक्योरिटी एक्सेट्रा इन द सेम वे अरेंजमेंट फॉर वेडिंग एनिवर्सरी बर्थडे सेलिब्रेशन कैन ऑल्सो भी आउटसोर्स ये सारी चीज़ें भी आउटसोर्स की जाती है जैसे हमें बर्थडे सेलिब्रेशन करना है तो क्या होता है हम किसी ऐसी कंपनी को काम दे देंगे एजेंसी को जो वही सेलिब्रेशन का फंक्शन का ही पूरा ऑर्गेनाइजेशन देखती है ठीक है पूरा हमारे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करके दे देगी उसमें फूड 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 भी वो लोग देखेंगे डेकोरेशन भी वो लोग देखेंगे सारा ही काम वो लोग ही कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने आउटसोर्स कर दिया किसी और को तो वो हो जाता है आउटसोर्सिंग फंक्शन चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नीड फॉर आउटसोर्सिंग क्या ज़रूरत है आउटसोर्सिंग करने की तो टुडे सर्विसेज़ All over the world are becoming highly specialized. Aajkal services kaisi ho gayi specialized. Most services require finely tuned skills. With increasing global competition, most companies are focusing on showcasing their product or improving quality of their goods. This has forced companies to concentrate on their hardcore activities. Therefore, companies are taking फ्रेश लुक एट दर बिजनेस प्रोसेस देखिए आजकल कंपनीज़ क्या चाहती है कि वो जो प्रोडक्ट सेल कर रही है वो सबसे बेस्ट हो जितने भी वर्ल्ड में कॉम्पिटिटर है ग्लोबली जो कॉम्पिटिशन हो रहा है उसमें हमारा प्रोडक्ट बेस्ट हो या हम जो सर्विसेज दे रहे हैं वो सबसे बेस्ट हो लेकिन अब ये कब हो पाएगा हमारा प्रोडक्ट या सर्विस सबसे बेस्ट कब होगी जब हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे तब अब हम सिर्फ उस पर फोकस कब कर पाएंगे बाकी सारी अदर एक्टिविटीज़ जो नॉन नौ, कोर एक्टिविटीज़ है उसे हम शिफ्ट कर देंगे किसी और के पास तभी ये चीज़ हो सकती है इसलिए नीड है, है आउटसोर्सिंग की नाउ ड्यू टू दिस मैनी नॉन कोर एरियाज़ आर बींग आउटसोर्स टू फॉर्म हु हैव एन स्पेशली स्किल्ड वर्क फोर्स The concept of outsourcing has emerged as a result of this thinking. यही thinking ने क्या हुआ है, यही thinking की वजह से क्या हुआ है outsourcing की requirement आज हो गई है आज के world में। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं advantages of outsourcing। कि ये जो outsourcing किया जाता है outsourcing activity, उसके फायदे क्या है? सबसे first है overall cost advantage। देखिये इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड ऑल्सो सेव्स टाइम एंड एफर्ट ऑन ट्रेनिंग कॉस्ट हम कोई भी आ, जो भी फंक्शन हम आउटसोर्स कर रहे हैं वो फंक्शन अगर हम खुद से करने जाएंगे जैसे हम सिक्योरिटी सैनिटेशन हाउस कीपिंग कैंटीन फैसिलिटी जिसकी भी बात कर रहे हैं हम वो फंक्शन हम खुद ही करने जाएंगे तो क्या होगा हमें खुद को एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे उनको ट्रेन करना पड़ेगा उस फंक्शन करने के लिए हमें रिसोर्सेस लाने पड़ेंगे बराबर अब ये सारी चीज़ें हम किसी और को दे रहे हैं करने के लिए तो ये सारा इन्वेस्टमेंट तो हमें करना ही नहीं है इसके लिए हमें कॉस्ट एडवांटेज मिल गया वहाँ पे नेक्स्ट इज स्टिम्यूलेट्स एंटरप्रिनरशिप एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट देखिए क्या हो गया यहाँ पे क्या कर रहा है ये हमारी कंट्री में आउटसोर्सिंग नए नए बिजनेसिस को ला रहा है ना पहले क्या होता था सारी चीज़ें हम ही करते थे बिजनेस खुद ही कर लेता था कैंटीन के, फैसिलिटी सिक्योरिटी हाउस अब क्या हो रहा है वो किसी और को दे रहा है ये काम करने के लिए तो वो बिजनेस भी ग्रो कर रहा है आगे आ रहा है उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है आउटसोर्सिंग स्टिम्यूलेट्स एंटरप्रिनरशिप एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स इन द कंट्री उसके बाद आता है लो मैन पावर कॉस्ट देखिए द मैन पावर कॉस्ट इज मच लोअर देन दैट ऑफ होस्ट कंपनी अब इसका मतलब क्या हो जाता है हम सिक्योरिटी से एग्जाम्पल लेते हैं सिक्योरिटी की सर्विस जो रहती है हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है बिजनेस में अब क्या होगा हम खुद सिक्योरिटी पर्सनस रखेंगे और दूसरी चीज़ हमने सिक्योरिटी का काम किसी को आउटसोर्स कर दिया अब वो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो तो एक्सपर्टाइज है उस काम में तो वो सिक्योरिटी पर्सन रखेगी तो ऑफ़कोर्स कॉस्ट कहाँ पे कम होने वाली है वो पर्सन सिक्योरिटी, वो एजेंसी सिक्योरिटी पर्सन रखेगी हमारे लिए वहाँ पे हमें कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि उस काम में हम स्पेशलाइज नहीं है वो एजेंसी स्पेशलाइज है ठीक है इसके लिए वो कम कॉस्ट में हमें एम्प्लॉयी ला दे देगी Now next is access to professional expert and high quality service. Of course, जिस agency को हमने काम दिया हुआ है वो agency क्या है वहाँ पर professional लोग काम करते हैं उसी चीज़ के related expert है high quality service वहाँ से हमें मिलती है जैसे हम accounting का बात करते हैं हमारे business में accounting की service accounting का काम है वो हमने किसी को outsource कर दिया है तो हमने जिस भी कंपनी को आउटसोर्स किया है वहाँ के एम्प्लॉयज ऑफकोर्स उस काम में एक्सपर्ट होंगे इसलिए हमें हाईली क्वालिफाइड सर्विस मिलती है मोस्टली द टास्क आर गिवन टू पीपल हु आर स्किल्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड दिस प्रोवाइड्स अस विद अ बेटर लेवल ऑफ़ सर्विस एंड फ्यूअर चांसेस ऑफ एरर एरर भी बहुत कम होती है फिफ्थ एडवांटेज है एम्फोसिस ऑन कोर प्रोसेस रादर दैन द सपोर्टिंग वंस यस ये हमने देख लिया आगे क्या होता है आउटसोर्सिंग करने का एक फ़ायदा हमने हमारी नॉन कोर एक्टिविटीज़ तो दे दी किसी और को आउटसोर्स कर दी तो अब हमारा टाइम बच रहा है तो हम क्या कर सकते हैं हमारी कोर एक्टिविटीज़ पर हम अच्छे से फोकस कर सकते हैं विथ इट्स हेल्प कंपनीज कैन फोकस ऑन दर कोर एरियाज़ विच लीड टू बेटर प्रॉफिट्स एंड इनक्रीज़ द क्वालिटी ऑफ देर प्रोडक्ट क्या होता है हम हमारे कोर एरियाज़ पर फोकस करते हैं तो उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सेल्स बढ़ा सकते हैं अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट कस्टमर को दे सकते हैं एंड हम हमारा प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं चलिए उसके बाद सिक्स एडवांटेज है हमारा इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स आर रेड्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कैसे रिड्यूस होगी हमारी जैसे हमने अकाउंटिंग वाला एग्ज़ाम्पल लिया था हमने अकाउंटिंग का काम किसी और को दे दिया है ठीक है तो उस अकाउंटिंग करवाने के लिए तो हमें एम्प्लॉयज़ नहीं रखने हैं दूसरा आ, हमें रिसोर्सिस लाने पड़ते थे कंप्यूटर्स वगैरह हमें अवेलेबल करके देना पड़ेगा उस एम्प्लॉय को वो भी लाने की ज़रूरत नहीं है प्लस हमें उन्हें जगह देने की भी ज़रूरत नहीं है हम एम्प्लॉयज़ रखेंगे तो उसे स्पेस भी देनी पड़ेगी काम करने के लिए तो वो सारी चीज़ें कम हो गई ना वो सारी कॉस्ट हमारी कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स आर रिड्यूस्ड द ऑर्गेनाइजेशन कैन सेव ऑन इन्वेस्टिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेट द आउटसोर्सिंग पार्टनर हैंडल द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग पार्टनर मतलब जिस एजेंसी को हमने काम दिया हुआ है वो ही सारी चीज़ें हमें करके देने वाला है इसलिए हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है चलिए सेवेंथ एडवांटेज हमें बताया है इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी देयर इज़ एन इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन नॉन कोर एरियाज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि जिस पर्सन को हमने काम दिया है वो भी उस काम में स्पेशलाइज है इसके लिए वो क्या करेगा उस काम को एफिशिएंटली करके देने वाला है उसके बाद है नॉलेज शेयरिंग देखिए नॉलेज शेयरिंग होने वाला है दो पार्टीज के बीच में हमने किसी पर्सन को हमारा बिजनेस फंक्शन आउटसोर्स किया है तो ऑफकोर्स हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी उस पर्सन को आउटसोर्सिंग इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिस विथ ईच अदर इट हैज़ डेवलप बोथ द कंपनीज एंड ऑल्सो बूस्ट गुडविल इन द इंडस्ट्री देखिए दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी डिस्कशन होगा कि कौन से बेस्ट वे में काम करना है तो क्या होता है दोनों का ही डेवलपमेंट होता है इसलिए यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग को एक एडवांटेज बताया गया है चलिए तो ये हमने देख लिया यहाँ पे एडवांटेजेस के बारे में नाउ नेक्स्ट वन आता है डिसएडवांटेजेस चलिए डिसएडवांटेजेस क्या क्या है आउटसोर्सिंग के तो सबसे फर्स्ट है लेक ऑफ कस्टमर फोकस क्या होता है कभी कभी कि जिस आउटसोर्सिंग कंपनी को या एजेंसी को हमने हमारा काम दिया है वो उस एजेंसी के पास तो हमारे जैसे कितने ही कस्टमर हो गए हमसे ज़्यादा बराबर हम भी है कोई और भी आउटसोर्स कर रहा है बहुत सारे कस्टमर हैं तो क्या हो जाता है वो बराबर से हमारे काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं दैट इज़ लैक ऑफ कस्टमर फोकस एंड आउटसोर्स वेंडर मे बी कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एट अ टाइम इन सच अ ही मे लैक कम्प्लीट फोकस ऑन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एज ए रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन में सफ़र कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी उसके पास तो बहुत सारे कस्टमर हैं तो क्या होता है इंडिविजुअल कस्टमर के ऊपर वो लोग अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं दूसरा है थ्रेड टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशलिटी अब यहाँ पर क्या हो रहा है बिजनेसिस को खुद के फंक्शन को आउटसोर्स करना पड़ता है किसी और को अब आउटसोर्स किया है तो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी पड़ेगी तभी जाके वो आउटसोर्सिंग एजेंसी काम कर पाएगी ठीक है तो अब ये जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है तो वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं कॉन्फिडेंशलिटी इश्यूज आते हैं कभी कभी क्या होता है आउटसोर्सिंग एजेंसी की तरफ से इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है कॉम्पिटिटर्स को एंड फिर वो क्या करते हैं उस इंफॉर्मेशन का मिस करते हैं द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे बी लीक टू थर्ड पार्टी सो देर आर सिक्योरिटी इश्यूज़ उसके बाद आता है डिसटिस्फैक्शरी सर्विसेस सम ऑफ द कामन प्रॉब्लम अराइज एरियाज विथ आउट सोर्सिंग इंक्लूड स्ट्रेस्ट डिलीवरी टाइम सब स्टैंडर्ड क्वालिटी एक्सेट्रा अब यहाँ पर वो लोग बता रहे हैं कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसी सर्विस दे रही है वो सेटिसफैक्ट्री नहीं होती है कभी कभी प्रॉपर क्वालिटी की हमें सर्विस नहीं मिलती है जैसे हम सिक्योरिटी कैंटीन फैसिलिटी वगैरह की बात करें हाउस कीपिंग है अच्छी क्वालिटी की सर्विस हमें नहीं मिलती है स्ट्रेस डिलीवरी टाइम ऑन टाइम सर्विस नहीं मिलती है जब हमने बोला है उसी टाइम पे सर्विस नहीं मिलती है लेट हो जाता है डिले होते हैं ठीक है तो ये हो गया डिससेटिस्फ़ैक्ट्री सर्विस फोर्थ है एथिकल इश्यूज़

किसी दूसरी कंट्री के एजेंसी को किया जाता है तब क्या होता है कि उस कंपनी को काम मिल रहा है बाहर के कंट्री के लोगों को काम मिल रहा है ठीक है हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है वहाँ पे लोगों को जॉब मिल रही है तो एथिकली थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है ठीक तो है तो इथिकल इश्यूज़ आते हैं नाउ अदर डिसएडवांटेजेस क्या है अदर में आता है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो कभी कभी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नहीं हो, हो पाता है बराबर से आउटसोर्सिंग एजेंसी के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तभी तो शुरुआत में तो बराबर कम्युनिकेशन हो गया दो लोगों के बीच में लेकिन काम तो रेगुलरली होना है तो कम्युनिकेशन भी होते रहना चाहिए तो वहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है नेक्स्ट इज पुअर क्वालिटी एंड डिलेड सर्विस अच्छी क्वालिटी की सर्विस नहीं मिलती या फिर डीले हो जाता है सर्विस मिलने में तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस है आउटसोर्सिंग सर्विस के लेकिन फिर भी आउटसोर्सिंग करना अच्छा रहता है बिज़नेसेस के लिए ताकि वो उनके कोर एरियाज़ पे फोकस कर सके तो ये हो गया हमारा आउटसोर्सिंग सर्विस के बारे में हमने कुछ मीनिंग देख लिया एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने पढ़ लिए अब आगे हम देखने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग क्या क्या फॉर्म्स या टाइप्स है आउटसोर्सिंग की लेकिन स्टूडेंट्स इसे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सारे ही फॉर्म्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच बाय एवरीवन